राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जयंती पर कई सामाजिक कार्य किए गए। राष्ट्रपति महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जयंती पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री चंद्रकांत ठंडोड़े के नेतृत्व में चेंबूर के सभी वार्ड में सामाजिक कार्य किया गया, जिसमें सभी लोगों को मास्क वितरण किया गया। साथ ही कई जगह पर स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। आपको बता दें, यह स्वच्छता अभियान मास्क वितरण के मुख्य आयोजन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण कोठारी और कैलाश अरावड़े के माध्यम से आयोजित किया गया था, जिसमें कांग्रेस पार्टी के कई कार्यकर्ता व नेता मौजूद रहे और सभी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। चेंबूर तालुका कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज महात्मा गांधी जी और हमारे माजी पंतप्रधान लाल बहादुर शास्त्री, ये दोनों महान नेताओं की जयंती है। इस शुभ अवसर पर मैं सारे लोगों को शुभेच्छा देता हूँ। यहाँ पर आज लक्ष्मण कोठारी, कैलाश आरवड़े जी, बोरचे जी, हमारी पारदे भाई, पाटिल भाई और सभी कार्यकर्ता नेता जाफर भाई से लेके सारे लोग यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर जयंती के शुभ अवसर पर मास्क डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम रखा है और उसके साथ साथ महात्मा गांधी जी को जो स्वच्छता की जो स्वच्छता उसको पसंद थी, तो वही स्वच्छता मुहिम का भी कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। आपको पता है कि हमारा देश में 150 साल के ऊपर ब्रिटिशों ने राज किया, हमारा देश स्वतंत्र होना चाहिए, ये महात्मा गांधी जी की इच्छा थी और उन्होंने देश के स्वतंत्र की लड़ाई में बहुत ही बड़ा योगदान किया, संघर्ष किया, चले जाओ भारत छोड़ो का नारा भी उन्होंने दिया और उनकी वजह से और हमारे बाकी जो बड़े नेता थे उनके वजह से आज देश को आज़ादी मिली। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेके लोकमान्य तिलक से लेके महात्मा गांधी जी और सारे नेताओं ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब अम्बेडकर और सभी महान नेताओं ने देश को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए ये भूमिका सामने रखी और देश को आज़ाद करने के बाद आज देश अमृत महोत्सव स्वतंत्रता का मना रहा है और आप देखेंगे कि देश में बहुत ही तरक्की हो गई। ये सारा श्रेय महात्मा जी, गांधी, नेहरू जी और ये हमारे तत्सम नेताओं को जाता है। लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती आज है, उन्होंने जय किसान जय जवान का नारा दिया था। ऐसे ये महान नेताओं की जयंती के शुभ अवसर पर हमारे सारे चेंबूर के कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने यहाँ पर ये दोनों महापुरुषों के विचारधारा को कृति में लाने के लिए उनका जयंती का उत्सव यहाँ पर बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज चेंबूर में बहुत जगह पर ये कार्यक्रम होने जा रहा है। सुबह पीएल लोखंडे मार्ग के ऊपर भी स्वच्छता अभियान, सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूशन, आज ये चेंबूर स्टेशन के बाजू में, उसके बाद में झामा चौक, विजयनगर, लाल डोंगर, सब जगह पर महात्मा जी गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के शुभ अवसर पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। लोगों को हम ये दोनों महापुरुषों के जयंती के शुभ अवसर पर यही कहना चाहेंगे कि हमारे महान नेताओं ने इस देश के स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, सर्वधर्म समभाव का नारा दिया है, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही की देन भारत को दी है, तो आगे भविष्य में भी जातीयवाद धर्मवाद को बढ़ावा न दे, सर्वधर्म समभाव के नाते सभी देश के रहवासी रहे, शांति सद्भावना और प्रेम का जो संदेश महात्मा जी गांधी ने दिया था वो संदेश को आगे लाने का प्रयास करें और देश में भाईचारा सद्भावना प्रेम के माध्यम से इस देश को तरक्की की ओर लेके जाए, यही शुभकामना देता हूँ। आप देख रहे हैं कि चेंबूर में हमारे हंडोरे साहब के नेतृत्व में हर साल हम बापू जी को और लाल बहादुर शास्त्री को याद करते हुए हमारा एक कुछ ना कुछ प्रोग्राम हर साल होता है। लास्ट टाइम नटराज के उधर हुआ था, अभी इस टाइम चेंबूर स्टेशन पे है और आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी है जो कि हमारे
राष्ट्रपिता को हमेशा याद रखती है और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का हम वापस एक वचन लेते हैं आज की इस दिन से, और उनसे प्रेरणा लेते हैं कि सत्य अहिंसा से किस तरह हमको ब्रिटिश से लड़ाई लड़कर आज उन्होंने इस देश को आज़ादी मिलाई, और आज हमको ऐसे तत्वों से आज़ादी लेनी है जो कि हमारे देश पर एक जातिवाद का भड़काने का काम कर रहे हैं, सर्वधर्म संभाव को भड़काने का एक काम, जिस तरह हिंदुस्तान में हिंदू सिख ईसाई मुस्लिम सब मिलकर रहते हैं, लेकिन कुछ तत्व हमारे बीच में ऐसे हैं जो कि उनको भड़काने का काम करते हैं, आपस में जातिवाद के नाम पर वोट मांगते हैं, जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। ऐसे तत्वों से हमको लड़कर आज कांग्रेस पार्टी अपने सिद्धांत पर चलकर आगे बढ़ रही है, और हम चेंबूर में आने वाले समय में सब लोगों को साथ में लेके हमारे महानगर पालिका चुनाव की तैयारी हमारे यहाँ पर चल रही है, और सब मिलकर लड़कर हम आगे वाले यहाँ से ज़्यादा सीट लेने का काम हम लोग करेंगे। और महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री ने जो मार्ग बताया है, रास्ता बताया है, उस रास्ते पे चलते हुए हम लोग हमेशा जनता को सेवा का काम करेंगे। धन्यवाद।